नमस्ते। ओशो ज़ेन टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ द आउटसाइडर की, और कार्ड ऑफ द आउटसाइडर को हम कंपेयर कर रहे हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ। द कार्ड ऑफ आउटसाइडर को समझने से पहले फाइव ऑफ पेंटिकल्स को थोड़ा समझेंगे। जब हम राइडर वेट के फाइव ऑफ पेंटिकल्स को जो है आउटसाइडर के साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे दो ढंग से जो है इस कार्ड को देखा जा सकता है। पहला ढंग ये है कि आपके पास जो है बाहर का धन है, लेकिन आप भीतर से जो है पूरी तरह से जो है निर्धन हो गए। इसलिए उसकी जो सेटिंग जो दिखाई है वो कुछ ऐसी है कि ये दो भिखारी जो है चर्च से बाहर जाते हुए जो है दिख रहे हैं, और जब हम चर्च को दिखा रहे हैं तो चर्च जो है भीतर के धन को जो है संबोधित करता है। सिंबलाइजेशन जो है इस कार्ड की कुछ ऐसी है कि बाहर की दुनिया में अगर आपके पास धन भी है और अगर आपके पास जो है भीतर की जो है संपदा नहीं है, अगर आप जो है भीतर प्रभु के साथ जुड़े नहीं हुए हैं, तो आप निर्धन ही हैं, आप लूले लंगड़े हैं। ये एक ढंग है देखने का इस कार्ड को। दूसरा, अगर जो है हम इसको कंपेयर करते हैं द कार्ड ऑफ द आउटसाइडर के साथ, तो फिर इसके जो है थोड़े मीनिंग चेंज हो जाएंगे और उसका फिर मीनिंग जो है कुछ दूसरे ढंग से हो जाएगा। दूसरे ढंग से इस तरह से कि आप संसार से जो मांग रहे हैं वो आपको मिल नहीं रहा है, कि आप संसार के हिस्से होना चाहते हैं लेकिन हाथ में आपके कुछ नहीं आता है, आपके हाथ जो है खाली रह जाते हैं और आप जो है सिर्फ भिखारी की तरह होके रह जाते हैं। इसलिए जो है दोनों का कंपैरिजन जो है वो बैठता भी है फिर भी नहीं बैठता। तो ये लोग दिखते तो हैं आउटसाइडर, लेकिन फिर भी जो है अगर ओशो ज़ेन टैरो की आउटसाइडर कार्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर मीनिंग जो है डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि कार्ड का अगर हम एसेंस देखें, जो एसेंस है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का, वो यही है कि आपके पास धन है लेकिन वो धन किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपने जो है उस भीतर के धन को नहीं कमाया। इसलिए उस चर्च की सेटिंग को दिखा के हमने जो है सिंबलाइजेशन के तौर पे हमने दिखा दिया है कि जब तक कि आप भीतर नहीं जाएंगे तब तक जो है आपकी ज़िंदगी कभी भी वार्म नहीं हो पाएगी, उसके अंदर प्रकाश नहीं आ पाएगा, उसके अंदर एक रिलैक्सेशन नहीं आ पाएगी, और बाहर की दुनिया में रह रहे के आप और ज़्यादा जो है बिकमंगे हो जाएंगे, क्रिपल्ड हो जाएंगे। तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी फाइव ऑफ पेंटिकल्स की। अब हम बात करते हैं द कार्ड ऑफ आउटसाइडर की। कार्ड ऑफ आउटसाइडर में हम देख सकते हैं एक बच्चा जो है एक लोहे के गेट के सामने खड़ा हुआ है और उसको लग रहा है कि गेट बंद है, लेकिन उसको जिस तरह से कंडीशन किया गया है वो कंडीशन इस तरह से किया गया है कि उसको बोला गया है कि वो कभी भी इस गेट के पार नहीं हो पाएगा, कि वो कभी भी इस गेट को कभी खोल नहीं पाएगा, जिसके कारण जो है उसके अंदर एक इतनी गहरी कंडीशनिंग जो है बैठ जाती है कि उसको लगने लग जाता है कि वो कभी भी इस गेट के अंदर कभी एंटर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो ध्यान से देखेगा तो उसे ये भी पता चलेगा कि गेट जो है लॉक नहीं है, जब वो चाहे वो इसको खोल सकता है और इसके भीतर प्रवेश कर सकता है। लेकिन अब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है समझना कि मास्टर ओशो, गुरु ओशो जो है इस कार्ड के बारे में क्या बात बोल रहे हैं। गुरु ओशो जो है इस कार्ड के बारे में जो है बोलते हैं कि आप जो है मिसफिट हैं, कि आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, आप एक इंडिविजुअल हैं, आप कभी भी जो है इस सोसाइटी के हिस्से नहीं हो पाएंगे। हाँ, अगर आप अपने आप को थोड़ा बेहोश कर लें, अगर आप अपने आप को कंडीशन कर लें, लोगों की बात मान लें, सुन लें, तो दूसरे भेड़ों की तरह हो जाएंगे और उन दूसरे भेड़ों की तरह आप भी वही करने लग जाएंगे जो वो कर रहे हैं। अध्यात्म को थोड़ा समझने की बात है। जब अध्यात्म आपके जीवन में घटना शुरू होता है, जो पहली जो घटना है जो आपके साथ घटनी शुरू होती है वो ये कि आप जो है ईमानदार होना शुरू हो जाते हैं। यू स्टार्ट बिकमिंग ऑनेस्ट। आप अपने प्रति ईमानदार होना शुरू हो जाते हैं, अपनी भावनाओं के प्रति, अपने डिज़ायर्स के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने शरीर के प्रति। जो स्पिरिचुअलिटी की जो यात्रा है, जो अध्यात्म की जो यात्रा है, वो शुरू ही तभी होती है जब आप अपने आप को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं। और जब आप अपने आप को वैसे ही स्वीकार करते हैं, आपके अंदर जो है कितने डिज़ायर्स भरे हुए हैं, कितना कूड़ा करकट जो है आपके अंदर बैठा हुआ, लेकिन जब तक कि आप इसको एक्नॉलेज नहीं करते तब तक सफाई शुरू नहीं होती आपके भीतर की। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो है सबसे पहले अपने कूड़े करकट को जो है देख लेता है कि उसके भीतर ये सब कुछ है, और देखने से जो है वो उससे जो है मुक्त होना शुरू हो जाता है।
इसमें थोड़ा साइकोलॉजी को समझने की बात है कि जब आप अपने उस भीतर के उस तत्व को देख लेते हैं जो नेगेटिव है, जैसे ही आप उसके प्रति अवेयर हो जाते हैं, आप जो है उससे जो है मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। सडनली एक तरह का एक डिस्टेंस हो जाता है आप में और उस तत्व के अंदर, जिसका ये मतलब हुआ कि फाइनली आपको, आपके पास जो है एक चॉइस आ जाती है कि अब आपको जो है इस गुण के साथ अपने आप को अटैच करना है या नहीं करना है। इसलिए जैसे जैसे जो है आप ऑनेस्ट होते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस जो है बढ़नी शुरू हो जाती है, और उस कॉन्शियसनेस के साथ आप डिसाइड कर पाते हैं कि आपको जो है क्या चॉइस करनी है अपनी लाइफ, और फिर उस चॉइस के बेसिस पे आप अपनी लाइफ को डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए एक इंडिविजुअल जो है हमेशा जो है एक रिबेलियस होगा। वो रिबेलियस जो है बहुत नेचुरल वे से हो जाता है, क्योंकि जब उसको जो है रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि उसको अपनी इंडिविजुअलिटी को जीना है, उसको अपने डिज़ायर्स को जो है एक्नॉलेज करना है, तो वो सडनली जो है वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं रह जाता, क्योंकि सोसाइटी कभी भी जो है उन डिज़ायर्स को, उन प्रॉब्लम्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती, उसको कारपेट के नीचे खिसका देती है। आपने भी देखा होगा कि कोई मेहमान आने वाला है और आपके पास सफाई का टाइम नहीं है और थोड़ा कचरा पड़ा हुआ, आप फटाफट जो है उसको कारपेट के नीचे जो है उसको छुपा देते हैं ताकि गेस्ट को नजर ना आए। ऐसे ही आपके तलघरे के अंदर आपने बहुत कुछ जो है डाल दिया है अनकॉन्शियसली जो है आप डिज़ायर के साथ अटैच होते रहे, अनकॉन्शियसली जो है आप चीज़ों के साथ जुड़ते रहे, जिसके कारण जो है आपकी आत्मा का जो हिस्सा है वो उस डिज़ायर के साथ जो है अटैच हो गया, और उस डिज़ायर के साथ अटैच होने के कारण जो है आपके अंदर एक स्प्लिट नेचर, ऊपर से एक चेहरा था सज्जन का, ऊपर से एक चेहरा एक बड़ा एक पॉजिटिव आदमी का, लेकिन भीतर से जो है वो व्यक्ति जो है एक हिपोक्रेसी आ गई उसके अंदर, क्योंकि वो ऑनेस्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो उन डिज़ायर्स को जी नहीं पा रहा, और वो डिज़ायर्स को ना जीने के कारण जो है उसके अंदर जो है एक हिपोक्रेसी उसकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती। तो डिज़ायर्स को जब आप नहीं जीते हैं तो डिज़ायर्स एक ऐसी ऊर्जा है कि उसको आप इग्नोर तो कर नहीं सकते, आप उसके ऊपर चढ़ के बैठ सकते हैं, आप उसको कुछ टाइम के लिए इग्नोर तो कर सकते हैं, लेकिन वो मौका पाके जो है वो बैक डोर से जो है आपकी लाइफ में प्रवेश करेगा, वो आपके सपने में आए। आपको भी पता होगा कई बार आप जो है फास्ट रख लेते हैं, सिर्फ कहने को फास्ट रख लेते हैं, और रात को अगर बिना खाए कभी सो गए तो रात को जो है सपने जो है स्वादिष्ट भोजन के आए, तो दिन में तो आपने किसी तरह से अपने आप को दबा दिया, लेकिन रात को आप अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते। तो सारी बात जो है मैं इसमें जो आपको कहना चाहता हूँ, जब बात हो जाती है आउटसाइडर की बात ओशो उनकी कह रहे हैं जो लोग जो है अपनी, जिन्होंने अपनी जो है ईमानदारी से अपनी यात्रा जो है शुरू कर दी है। तो जब आप ईमानदारी से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप ये भी देखेंगे कि आप सोसाइटी के हिस्से नहीं रह जाते, कि आप हमेशा जो है एक मिसफिट की तरह लगेंगे, कि आप किसी के साथ होके भी, इतने करीब होके भी हाथ भी पकड़ा होगा उसका, किसी ने आपके गले में हाथ भी डाल रखा होगा, तब भी जो है एक डिस्टेंस जो है आपको लगेगा कि आप जो है इसके हिस्से नहीं है, आपको लगेगा कि आप एक इंडिविजुअल है। उस इंडिविजुअलिटी को स्वीकार करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से प्रभु ने आपको बनाया है, उसने बनाया आपको इस तरह से है कि आप जो है अपने ढंग से जो है खिलेंगे। प्रभु जो है फोटोकॉपी में बिलीव नहीं करता, एक एक व्यक्ति जो है अपने ढंग से जो है खिल सकता है, अपने ढंग से जो है बुद्धत्व को प्राप्त हो सकता है, ये सबकी एक क्षमता है। क्रिश्चियन होना आसान है लेकिन जीसस होना मुश्किल है, हिंदू होना आसान है लेकिन कृष्ण होना मुश्किल है, लेकिन यही जो है आपको सुनने में मिलता है, आपको जो है यही लोग जो है कहते हैं कि ये तो भगवान है, ये तो कृष्ण है, ये तो जीसस क्राइस्ट है, ये सब अवतार है, ये कह के जो है आप जो है थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, आपको लगता है कि आप तो कभी भी वहाँ पे कभी नहीं पहुँच पाएंगे, आप कभी भी कृष्ण नहीं हो पाएंगे, आप कभी बुद्ध नहीं हो पाएंगे, आप कभी भी क्राइस्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन इसी चीज़ को रियलाइज़ करने की बात है, अध्यात्म को समझने की बात है, कि जब आप अपने भीतर जो है गहरे में जाना शुरू करते हैं, उस इंडिविजुअलिटी को जीना शुरू करते हैं, तो आपका जो फूल है वो अपने ढंग से खिलता है, आपका जो फूल है वो बिल्कुल यूनिक है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, वो ना इससे पहले हुआ और ना इसके बाद कभी रिपीट होगा। तो अध्यात्म जो है
इस बात का संकल्प है, इस बात की जो है एक्सेप्टेंस है कि मैं अपना गीत जो है ज़रूर गाऊंगा, कि मैं अपनी यूनिकनेस को ज़रूर जीऊंगा और मेरी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करूंगा। और उस एक्सेप्ट करने में आपकी खिलावट है। द आउटसाइडर कार्ड आपको उसी के बारे में संदेश दे रहा है कि आप जो हैं आउटसाइडर हैं, उसको स्वीकार कर लीजिए। आप कभी भी जो है उस संसार के जो है कभी भी हिस्से नहीं हो पाएंगे। आप कभी भी उस संसार में अपना घर नहीं ढूंढ पाएंगे। घर तो आपके भीतर ही है, घर तो जो है आपको अपने भीतर ही मिलेगा। कि जब तक कि आप अपने भीतर नहीं मुड़ जाते, जब तक कि आप अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, अपने आउटसाइडर होने को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक जो है वो घर जो है कभी नहीं मिलेगा। और ये ज़रूर है कि जब आप अपने आउटसाइडर होने को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको दिक्कतें तो आती ही हैं, क्योंकि बाहर जो है लाइफ कंफर्टेबल है। जब आप सोसाइटी के साथ जुड़े हुए हैं तो सोसाइटी के साथ जो है आपको एक सपोर्ट मिला हुआ है। सोसाइटी के लोग यही समझते हैं कि आप उनके जैसे हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप जो है सोसाइटी को छोड़ दीजिए। आप जीते रहिए सोसाइटी में, जहाँ हैं वैसे ही रहें, लेकिन अपने भीतर जो है ऑनेस्ट होना शुरू हो जाए, ईमानदार होना शुरू हो जाए। उस ईमानदारी के साथ ही जो है आपकी जो है भीतर की यात्रा शुरू होती है। और ईमानदारी का ये भी मतलब है कि आपके भीतर जो है दिन भी है रात भी है, दोनों एस्पेक्ट जो है मौजूद हैं। उन दोनों को जीना है, उन दोनों को समझना है, ताकि आप उन दोनों के पार जा सकें। और इस बात की भी समझ जो है आपको आनी शुरू हो जाती है जब आप बाहर के संसार के हिस्से होना शुरू होते, और जब आपको दिखता है कि आपके हाथ जो है खाली की खाली रह गए। जितना मर्जी जो है उस पात्र को भरने की आपने कोशिश करी, लेकिन वो पात्र जो है कभी भरा नहीं, हाथ जो है खाली के खाली रह गए। और इस चीज़ की रियलाइजेशन जो है आपको भीतर मोड़ेगी, तो ऐसा लग सकता है कि आप बिल्कुल अकेले हो गए, कि आप किसी के साथ जो है कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कि आपको लगता है कि आपके साथ कोई भी नहीं है। लेकिन जब एक ऐसी स्थिति बनती है तब आपको एहसास भी होना शुरू होता है, तब आपको दिखना शुरू होता है कि एक बहुत बड़ी ऊर्जा, कि एक बहुत बड़ी शक्ति जो है वो आपके साथ है। उसने हर वक्त आपको जो है संभाल रखा है। तो दो तरह की स्थितियां हैं, एक तो एलोननेस और लोनलीनेस। लोनलीनेस वो स्थिति है जब हम बाहर किसी के साथ होना चाहते हैं, और एलोननेस जो है वो स्थिति है जब आप अपने अंदर कंप्लीट है, अपने अंदर जो है अपने घर पे हैं। एलोननेस यानी कि आपको अपने खुद का साथ जो है वो मिल गया, कि आप अपने साथ होना इतना कंप्लीट है आप, कि अब बाहर जाने की जो है कोई नीड नहीं रही, कोई ज़रूरत नहीं रही। तो वो स्थिति आएगी धीरे धीरे, वो स्थिति आती है, और आप जो है जैसे जैसे आप उसको और स्वीकार करते हैं, वैसे वैसे जो है आपके भीतर जो है वो जो आउटसाइडर होने की जो फीलिंग है उसको आप स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। उससे आप लड़ते नहीं हैं, उससे आप परेशान नहीं होते, उससे आप घबराते नहीं हैं। तो आउटसाइडर होने का ये भी मतलब है कि दैट यू आर लविंग योर सेल्फ, कि आप अपने खुद को जो है प्रेम कर रहे हैं, और इस प्रेम को जो है पूरी तरह से जो है अपने आप को जितना भर सकते हैं उस प्रेम से भर लीजिए। जब आप एलोन होंगे उस एलोननेस में जो है प्रेम जो है आप अपने आप को कर पाएंगे। एक्चुअली में वो पॉसिबल ही तभी हो पाता है जब आप अपने साथ होते हैं, जब आपका ध्यान कहीं और नहीं जा रहा, जब आपका ध्यान जो है आपके खुद के भीतर प्रवेश कर गया। उस स्थिति में आप जो है अपने आप को भरना शुरू करते, और जब स्थिति आती है कि जब आप अपने आपको भर लेते हैं तो एक ओवरफ्लो की स्टेट भी आती है। वो ओवरफ्लो की स्टेट ऐसी है कि जब फिर आप दूसरों को बांटना शुरू करते हैं, लेकिन वो बड़ा नेचुरल होता है, उसको करना नहीं पड़ेगा आपको। एक ही चीज़ करने की है कि आप अपना जो मार्ग है अध्यात्म का, बस उसके ऊपर चुपचाप चलते रहिए, ध्यान के साथ जुड़े रहिए, प्रेम के साथ जुड़े रहिए। ये करते 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 प्रभु का जो है प्रवेश आपके भीतर हो जाए, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो जो है आपके भीतर आ गया। नमक का पुतला जो है जब सागर में कूदता है तो कितनी देर तक जो है बचेगा, धीरे धीरे जो है वो सागर ही हो जाएगा।
तो उस सागर के साथ जो है एक हो जाना है। आपको बस थोड़ी हिम्मत करनी है कि आप थोड़ा सा छलांग मार दें, और अगर छलांग नहीं लगती तो सागर को अपने पास आने दीजिए, उसको अपने भीतर जो है समा लेने दीजिए। तो आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, सब कुछ होगा। राबिया और हसन की एक बहुत सुंदर कहानी है। राबिया जो है एक सूफी संत हुई है, और हसन जो है राबिया के यहाँ जो है ठहरे हुए थे। जब सुबह हुई, हसन जो है राबिया के बाग में बैठ के जो है ध्यान करने लगे, और बाहर का नज़ारा जो है उनको बहुत सुंदर लगा। सुंदर पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सूरज, सब कुछ बहुत सुंदर लगा। हसन ने जो है राबिया को आवाज लगाई। हसन ने कहा, राबिया जल्दी बाहर आ, देख कितनी सुंदर सुबह है, ऐसी सुबह तूने आज तक नहीं देखी होगी। हसन ने सोचा नहीं था राबिया जो है क्या जवाब देगी। राबिया ने जो है भीतर से ही आवाज लगाई हसन को, हसन तू ही भीतर आ जा, तू जिस सुबह को देख रहा है, जिस सुबह को देख के खुश हो रहा है, मैं उस सुबह को बनाने वाले को देख रही हूँ, तो तू भी उस जो है बनाने वाले को देख। कब तक जो है बाहर की सुबह देखता रहे, कब उस बनाने वाले को देखेगा। तो इस छोटी सी कहानी से एक ही जो है आपके लिए मैसेज है कि बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत कुछ जो है आपको लुभा सकती है, बहुत कुछ आपको दे सकती है, लेकिन फिर भी आप जो है आउटसाइडर ही रहेंगे जब तक कि आप अपने भीतर नहीं चले जाते। तो राबिया आपको जो है इस कार्ड के थ्रू, द कार्ड ऑफ द आउटसाइडर के थ्रू आपको रिमाइंड कराती है कि अपने भीतर के बुद्ध को, अपने भीतर के राम को, अपने भीतर के अल्लाह को, उसको जान लो। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।